हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं इल्यूमिनाटी के बारे में कि इल्यूमिनाटी क्या होता है, इंटरनेट पर ये कैसे फैल रहा है, इसका क्या मतलब होता है। वैसे तो ये जो टॉपिक है ये टेक्निकल नहीं है, लेकिन इसका जो रिलेशनशिप है वो इंटरनेट के साथ जुड़ गया है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इंटरनेट पर क्या चल रहा है और ये इल्यूमिनाटी क्या होता है। देखिए, अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी या कुरान शरीफ पढ़ी होगी या आपने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी होगी या आपने गीता पढ़ी होगी, आपको ये पता होगा कि भगवान और शैतान दोनों ही होते हैं, भगवान अच्छे, शैतान बुरा। एक सीक्रेट सोसाइटी बनी थी सन 1700 में, 17th century में आप बोल सकते हैं, यूरोप में, जिसका नाम था द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। ये कुछ ग्रुप के लोग थे जो शैतान की पूजा करते थे और इनका ये मानना था कि अगर आप अपनी आत्मा शैतान को बेच देते हैं तो आपको ज़िंदगी में हर कामयाबी मिल जाएगी और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी आत्मा, अपनी रूह शैतान को बेच दें, मतलब आपने अपनी रूह शैतान के हवाले कर दी और उससे आपको ज़िंदगी में हर कामयाबी मिल जाएगी जल्दी। तो ये बहुत फैसिनेटिंग है और कोई भी चाहेगा कि चलो हम अपनी रूह बेच देते हैं और शैतान बच जाते हैं, हमें कामयाबी मिल जाएगी। इंटरनेट पर भी इसका सिलसिला शुरू हो गया। इंटरनेट पर एक वेबसाइट है इल्यूमिनाटी की, जहां पर जाकर आप इल्यूमिनाटी के मेंबर बन सकते हैं और इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या सही में आपको ये लगता है कि सही में उनका मेंबर्स बन जाने पर आप अपनी आत्मा शैतान को दे पाएंगे? अगर दे भी पाते हैं, मान लीजिए कुछ छोड़ के चलते हैं, कोई भी लॉजिक नहीं लगाते, यही सोच के चलते हैं, क्या अपनी आत्मा हम शैतान को बेच रहे हैं, क्या वो हम सही कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अब थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा दिमाग से सोचते हैं, क्या उनके मेंबर बनने से और उनको हर महीने कुछ पैसे देने से वो आपकी आत्मा बेचेंगे या आप अपनी आत्मा बेच सकते हैं? ये सब बकवास है। खैर, इसके बारे में हमें नहीं पता, शायद ये सच भी हो सकता है, लेकिन इंटरनेट पर ऐसा नहीं हो सकता। इंटरनेट पर आत्मा बेची नहीं जा सकती। काला जादू होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन इंटरनेट पर ऐसा गलत हो रहा है और ज़्यादा जो लोग हैं वो फ्रॉड हैं, जो बोलते हैं कि आपको इल्यूमिनाटी में ज्वाइन करा देते हैं। अगर वो ज्वाइन करा भी देते हैं, ऐसी कुछ अगर दुनिया में चीज़ है भी, तो ये गलत है। आपको पता है कि शैतानी शक्ति, शैतानों के पास जाना, ऐसी चीज़ों से इन्वॉल्व होना, इन चीज़ों से, ये गलत है, सही तरीका नहीं है। एक्सपर्ट्स का यहाँ तक मानना है कि दुनिया में जितनी भी बुरी चीज़ें होती हैं, जितने भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, ये सारी बुरी चीज़ें होती हैं, ये सब इल्यूमिनाटी के आदेश से होती हैं, शैतानों के आदेश से होती हैं। ऐसा भी मानते हैं लोग कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो बहुत जल्दी फेमस हुए हैं, जैसे 1-2 साल में कोई बहुत बड़ा रैपर बन गया, बहुत बड़ा कोई एक्टर बन गया, वो सब इस ही चीज़ से हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रूह, अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। यहाँ तक कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था अमेरिका में, USA में, तो वो जो चीज़ थी पहले से इल्यूमिनाटी के लोगों को पता थी और इसीलिए उसको डॉलर बिल के साथ जोड़ा गया। $1 का जो नोट था, उस पर अगर आप उसको ट्रायंगल में फोल्ड कर दें और देखें, तो आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की टूटी हुई बिल्डिंग जिसमें से धुआं निकल रहा है दिखेगी। इन लोगों के क्या साइन होते हैं और इनके भगवान कौन होते हैं? इनके भगवान शैतान होते हैं, बेफोमेट, लूसीफायर, सतन, जिसको उर्दू में शैतान बोलते हैं, हिंदी में उसको दैत्य बोलते हैं, शैतान, वो लोग होते हैं। बेफोमेट एक चित्र बनाया गया है, कई लोग एक्सपर्ट्स ने बनाया है, जिसकी जो शक्ल है वो बकरे की है, उसका जो बॉडी है वो औरत की है, उसके हाथ पैर अलग अलग जानवर के हैं, 666, 6, ट्रायंगल का निशान और हाथ से ऐसे इशारे करना, बेफोमेट बनाना, ये सब इल्यूमिनाटी को दर्शाते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि जितने भी सेलिब्रिटी या तो गाते वक्त, रैप करते वक्त, नाचते वक्त, जितने भी लोग ट्रायंगल का साइन बनाते हैं या 666 नंबर दिखाते हैं, उंगलियां ऐसे दिखाते हैं या ऐसे दिखाते हैं, वो लोग बेफोमेट को दर्शाते हैं और कहीं ना कहीं एक सीक्रेट मैसेज दे रहे होते हैं कि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं और वो अपनी आत्मा शैतान को बेच चुके हैं। जैसा कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी है, इसके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सीक्रेटली होते हैं, आम लोगों तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। ये लोग एडवर्टाइजमेंट में भी होते हैं।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी के मैसेजेस छुपे होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं दुनिया के वो कह रहे हैं इस बात को कि जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, यहाँ तक कि गाने होते हैं, टीवी सीरियल्स होते हैं, फिल्में होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर ये मैसेज छोड़ा जाता है कि इल्यूमिनाटी भी एक चीज़ है। ये बात हमें नहीं पता चल पाती, बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि उनके दिमाग में ये सिग्नल भेजे जाते हैं ताकि वो इल्यूमिनाटी की तरफ अट्रैक्ट हो सके और अपनी रूह शैतान को बेच सके। बेसिकली ये लोग फैला रहे हैं चीज़ें। तो ये मैंने आपको बता दिया इल्यूमिनाटी क्या होता है, और अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब हमें क्या करना है। क्या हमें ज्वाइन करना है? बिल्कुल नहीं, ये चीज़ें ज्वाइन करने वाली नहीं है। ये आप मुझसे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की, सर आप इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि इंटरनेट पर ये बहुत फैल रहा है कि आइए इल्यूमिनाटी के मेंबर बनिए और अपनी ज़िंदगी संवार लीजिए, सक्सेसफुल हो जाइए। सक्सेसफुल होने का मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है भी तो ये गलत है, और मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि किसी वेबसाइट पर जाकर आप इसके मेंबर बने, ऐसी गलत चीज़ों में पड़े। तो आप मेहनत कीजिए, चीज़ें सीखिए। इल्यूमिनाटी बनने से या इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने से कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता, ऐसा मेरा मानना है। आप मुझे बताइए आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पर इल्यूमिनाटी लिख सकते हैं या यूट्यूब पर आप इल्यूमिनाटी लिख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है, बेफोमेट, लूसीफायर, शैतान, सतन, इनके बारे में आप जान सकते हैं। अगर आपने माइथोलॉजी पढ़ी है या पुरानी आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपको इसके बारे में पता भी हो। तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, और इंटरनेट पर आपको इससे बच के रहना है, किसी के झांसे में नहीं आना है। अगर आपको कोई बोलता है कि आपको इल्यूमिनाटी ज्वाइन करा देगा, दुनिया की हर कामयाबी आपके कदमों पर रख देगा, तो वो गलत है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।